वर्ग का कोई बच्चा 21 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है और दूसरे वर्ग का कोई लड़का 28 साल में जवानी के ठुमके आरक्षण के डीजे पर लगाता है। बिहार जहां गणित में निगेटिव अंक पाने वाला व्यक्ति सिस्टम के माइनस से गुणा करके इस प्रकार पॉजिटिव बन जाता है कि नौकरी तो अकेले में घर बुलाकर कहती है, ए जी हमको रखिएगा। तालियों की गड़गड़ाहट में न्यू इंडिया का नारा भले ही भावनाओं की थाली में संभावनाओं को सजाकर निकलती तो एक सुनहरे भविष्य की तरफ, लेकिन समझौतों के लहर में अतीत के बुलबुले यकीनी तौर पर हैरान तो करते हैं। चलिए माना अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था संसद प्रदेश के साथ साथ सिविल सर्विसेज जैसी संवैधानिक संस्थाओं तक तो ठीक थी, लेकिन इस व्यवस्था को टेक्निकल मेडिकल और आर्थिक क्षेत्र के विशेष योग्यता वाले पद प्रतिष्ठानों पर थोप के अव्यवस्था की नींव योग्यता के पैमानों को शर्मसार इसीलिए करती है क्योंकि इन क्षेत्रों में योग्यता से समझौता बनारस जैसे शहरों में पुलों का गिरना या फिर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को राष्ट्रपति का नाम तक ना पता होने से जाहिर होता। देखिए हिंदुस्तान की गलियारों में प्रतिभा तो उस कंकड़ की तरह है जिसे वक्त के हथौड़ों से पीटना ही उसके भविष्य के नक्काशी का आधार बनती। जिम्मेदारी के बोझ तले संस्कारों की गठरी बांध कर कोई युवा कॉम्पिटिशन के जंग में कूदता तो ऐसे है मानो जमीन हिल जाए। मन को बहला फुसला कर कभी दिक्कत हो तो थ्री इडियट्स वाला ऑल इज वेल सुनकर प्रतिस्पर्धा का श्री गणेश भी कर देता है, लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई में जब उसके पास होने का फैसला उसकी कलम नहीं बल्कि उसके जात करने लगे तो अध्ययन के नाम पर प्रतिभा का चीर हरण किसी नैतिक दुगलेपन से पढ़कर कुछ नहीं। समानता को स्थापित करने के नाम पर वर्गों को मक्कारी की चाशनी पकड़ाने का नाम है आरक्षण। समुदाय विशेष को सिर्फ जन्म के आधार पर अंकों की मुफ्तखोरी का अद्भुत आयाम है आरक्षण। अद्भुत इसलिए क्योंकि जन्म के समय अगर किलकारियों की आवाज से जात पात पता चल जाती तो साहित्य के हर एक कोने से शब्दों के माटी से ऐसा महल बनता जिसमें लोगों की नुमाइंदगी उनके कर्म से नहीं बल्कि आन बान और शान से बनी आरक्षण के शीश महल से होती। इसीलिए वक्त की ये मांग है कि बदलता हिंदुस्तान बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे, बदलता बिहार बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखे जिसमें अवसरों की समानता ही भविष्य की पहली ईंट साबित हो। भविष्य जो विद्यमान हो, भविष्य जो कायनात के गगन में दैदीप्यमान हो, भविष्य जिसमें प्रतिभा के प्रकाश का जातिवाद के अंधकार तले सम्मान हो, और अंततः भविष्य जो बिहार और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में एक समान हो। धन्यवाद।